ग्रामीण स्वच्छता ग्राही कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा है। उन्होंने क्या कुछ मांगे रखी हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद यह सभी लोग ग्रामीण स्वच्छता ग्राही कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले यहां पहुंचे हैं। ग्रामीण स्वच्छता ग्राही कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर यह सभी लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां इन सभी लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शासन द्वारा किए गए तमाम प्रयासों एवं निर्देशों के अनुसार प्रदेश में नियुक्त ग्रामीण स्वच्छता ग्राहियों के दायित्वों के पूर्ण निर्वाह किया जाने के बाद उनके जीवन यापन में कम से कम 15,000 से लेकर 18,000 रुपए, जिसका आश्वासन एवं घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। जनसभा में भी 1 अक्टूबर के दिन स्वच्छता दिवस के मौके पर दैनिक कर्मचारियों को भुगतान दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान कम से कम गुजर होने योग्य बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित होकर इन सभी ग्रामीण स्वच्छता ग्राहियों द्वारा एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने का काम किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इन सभी लोगों ने हाथ जमकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ कहा है, यह जरा आप भी सुनिए। डीएम साहब को ज्ञापन देना है, किस चीज का देना है? सर, हम लोग स्वच्छ भारत मिशन में 2017 से हमारी नियुक्तियाँ की गई थी और हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाके हमारा जो उद्देश्य था, सरकार के अधीन जो हम लोगों को नियुक्त किया गया था और ट्रेनिंग दी गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके हम लोगों का मकसद था कि स्वच्छताग्रही के पद पे हम लोगों की नियुक्ति की गई थी और हम लोग 2017 से लगातार काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा भी की गई है 1 अक्टूबर को कि हम लोगों को न्यूनतम वेतन देने की सरकार गारंटी देती है और अभी तक ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है। पूर्व से जो हम लोग काम कर रहे थे, हम लोगों को समय से पैसा भी नहीं मिला है, काफ़ी लोगों ने जो काम किया उसका भुगतान भी नहीं किया गया है, जबकि जिले पे कार्यालय में सूची ब्लॉक से आई उनका भुगतान भी नहीं किया गया और अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई है कि हम लोगों को न्यूनतम वेतन दे, उसी के संबंध में आज हम लोग डीएम साहब के यहाँ पे आए हैं और ज्ञापन दिया है। किस गाँव का मामला ये? ये सर, हम पूरे जनपद से, हर विकासखंड से सभी लोग उपस्थित हुए हैं, हर विकासखंड का स्वच्छाग्रही यहाँ आया हुआ है क्योंकि हर विकासखंड पे हम लोगों की नियुक्तियों की गई थी।